brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन एलएसी पर जो निर्माण कार्य कर रहा है उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है। चीन की हर हरकत पर भारत अब चीन की छाती पर चढ़कर धावा बोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के भारी निर्माण कार्य के बीच भारतीय फाइटर जेट्स ने अब हरकत बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना चीन की हरकत का जवाब तैयार कर चुकी है। चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हवाई अड्डे विकसित करने सहित बाकी सैन्य स्थिति को मजबूत करने को लेकर जो जानकारियां और तस्वीरें सामने आई, उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है। खास तौर पर भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार गहरा रहा है, और तब से चीन ने एलएसी पर निर्माण कार्य में तेजी ला दी है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था किस तरीके से चीन ने निर्माण कार्यों को अंजाम दिया है। इस बीच जानकारी ये भी निकल कर सामने आई थी कि चीन अपने हवाई अड्डे को बना रहा है। अब इस बीच भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स के लिए बड़ी तैयारी की है। भारतीय वायुसेना अब अपने तेजपुर हवाई अड्डे को और ज्यादा मजबूती देने और धार देने में लग चुकी है। तेजपुर 30 से ज्यादा सालों से मिग 21 का घर रहा है और मौजूदा समय में मिग ऑपरेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग यूनिट का आधार भी है। सुखोई 30 MKI के साथ नंबर 2 का स्क्वाड्रन भी तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित है। सुखोई Su-30 MKI रूसी विमान निर्माता सुखोई द्वारा विकसित और भारतीय वायुसेना के लिए भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित एक 2-सीटर मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो यहीं से ऑपरेशनल मोड पे काम करता है। तेजपुर में IAF बेस और असम और अरुणाचल प्रदेश के बाकी स्टेशन पूर्व में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नियमित रूप से यह अभ्यास होते हैं। सुखोई 30 MKI यहाँ पर अपना सबसे दमदार प्रदर्शन भी दिखाता आया है, और तेजपुर को ही अब धार देने में लगी भारतीय वायुसेना हर उस मुमकिन कोशिश में जुटी है जिससे चीन को रोका जाए। बता दें, चीन इस समय LAC पर भारी निर्माण कार्यों को अंजाम दे रहा है। वो अपने सैन्य अड्डों को मजबूत कर रहा है। रोड, टनल, ट्रांसपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी और इसके अलावा गांव के गांव बसाकर वो बड़ी तैयारियों में है। लेकिन ये तैयारियां फीकी पड़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने सैनिकों को अब एक्शन मोड में ला दिया है। भारत हर उस पॉइंट तक जाकर चीन को चेतावनी दे रहा है जहां से वो भारत को सीधी चुनौती देने का मन बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।